मेरे को मत ले चलना यार कुछ भी। कल रात भी एक कपल फंस गया था, वो भी 9 बजे के आसपास पहुंचा, गिरता पड़ता, चोट भी लग गई उनके। तो शंकर भगवान की जय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इन हसीन वादियों में। कल हम आए हैं तुंगनाथ महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आज का व्लॉग बेस है पूरा तुंगनाथ चोपटा की ट्रैकिंग के ऊपर। आज आपको बताएंगे कि मेन टाइमिंग क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, यहाँ की प्राइसिंग क्या है, यानी कितने बजे से कितने बजे तक ट्रैकिंग कर सकते हो, अगर स्टूडेंट हो तो क्या प्राइसिंग है, नॉन स्टूडेंट के लिए क्या है, और उसके अलावा यहाँ किन किन चीजों का आपको ध्यान करना है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अपनी तुंगनाथ की चढ़ाई, तो चलो चलते हैं। जय श्री राम, जय भोले। बर्फ गिरी हुई है, पिंगल भी रही है, ये देखो सारी ब्लैक ब्लैक आंसू हो रखी है, पिंगल रही है, इसलिए जूते हमने बदल लिए हैं। ये जूते हमने जो लिए हैं 100 रुपये के लिए लिए हैं, कल तक के लिए। थोड़ा थोड़ा चलेंगे और फिर रुकेंगे, फिर चल पड़ेंगे, एक एवरेज स्पीड मेंटेन करेंगे। भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है, देखो कितना स्लिपरी है। तो भाई नीचे से जो चौकी बनी हुई है, एक चौकी पे ही एंट्री होती है, तो चौकी की जो एंट्री है हमारी, अगर आप स्टूडेंट हो तो 100 रुपये पर हेड, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो 200 रुपये पर हेड। बाकी रास्ता बहुत स्लिपरी है यार, काफ़ी आगे तक आ गए हम। वो कह रहे हैं कि मंदिर का जो रास्ता है ना, ऊपर मंदिर तो नहीं जा सकते आप, क्योंकि दर्शन फिलहाल बंद है। बाकी थोड़ा जल्दी करके जाना, क्योंकि अंधेरा ना हो जाए, आपको टाइम से वापसी भी आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे मेरे को आ रही है ना, नेट नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो सकता। तो जो मेरे को लग रहा था वही कहानी यहाँ पे हो रही है कि भाई 0 इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट छोड़ो, मतलब मैं घर वालों से बात भी नहीं कर सकता, मेरा जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क भी नहीं है, कॉलिंग के भी नहीं है, इंटरनेट तो दूर की बात है। भाई वहाँ पे जूतों की जो चेन मिल रही थी वो भी ले सकते थे हम, है ना भाई। क्या है कि चेन है, चेन लगा लो अपना आराम से जूतों में और चलते रहो, सही नहीं है। बाकी ये देखो बर्फ, देखो कितनी कितनी अंदर जा रही है, देख रहे हो कितनी गहरी बर्फ है। अरे भाई फंस गया था ये तो। घाटी का व्यू देखो, अभी तो जंगल सा है, पेड़ से है, उसके बाद में एकदम से खाली सा आएगा जब आपको दिखाएंगे। और भाई चढ़ाई बहुत तेज है, तो थोड़ी सी हालत खराब होगी ना, पूरी तगड़ी बर्फ है और हालत खराब हो रही चढ़ने में। मेन मेरे को दिक्कत पता है क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ है, और नीचे भी नेट नहीं है, मतलब कल भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और अभी तो यार तो चोपटा में रुकेंगे, चोपटा में हमने रूम ले लिया है और रूम पड़ा हमें 1000 रुपये का, बहुत डिसेंट रूम है बहुत, और कोई फैसिलिटी नहीं, पानी कह रहे बाल्टी से भर के लाओ, और तौलिया वोलिया नहीं मिलेगा, उसके अलावा एक थैंगोड साबुन तो दे दिया वरना वो भी नहीं देते। बाकी कहीं कहीं तो बर्फ बिल्कुल पिघल चुकी है, कहीं कहीं पे बर्फ बहुत पतली है, जहाँ पिघल की वहाँ दिक्कत नहीं है, जहाँ पतली है ना वहाँ बहुत परेशानी आती है फिसलने की, और जहाँ मोटी बर्फ है वहाँ कॉन्फिडेंस आता है चलने का। और बढ़िया फटाफट चलते हैं, व्यू देखो आप जब तक। हाँ चलो भाई हमारे साथ एक एडवेंचरस टूर पे। एडवेंचरस कैसे, आप देखो इतनी ज्यादा बर्फ गिरी हुई है और चढ़ाने चढ़ाना, सबसे बड़ी बात है हम अकेले हैं, अभी मैं और मेरे सहयोगी कैमरामैन के अलावा यहाँ कोई नहीं है। भाई तो आ जाओ फटाफट, दर्शन कराएंगे आपको तुंगनाथ के। तो मेरे साथ बोलो, बोलेगी फौज करेगी मौज, बोल शंकर भगवान की जय। Thank you.
भाई कहाँ से आ रहा है फिसलता हुआ, देखा तूने कहाँ से आए? एक आते जानवर ही होते हैं भाई। ओ मोहित तेरे जैसे ये देखो कहाँ से आया, अभी फिर फिसलेगा। लोग बताइए यहाँ से भी चढ़े हुए शायद। हाँ भाई अभी हमने डिसाइड किया है कि ये जो रास्ता है ना यहाँ से, ये देखो ये कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है, कहाँ कहाँ से घूम के आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि यहीं से चलते हैं इस वाले रास्ते से। चले चलो, चलो भाई चलो। हाँ हो सकता है क्योंकि लोग चढ़े तो हुए हैं। हाँ ये देखो ये जूट के है ना ये। एक काम कर पहले मैं चलता हूँ तू फिर आइयो, ठीक है? टफ है भाई, यहाँ से चढ़ना तो हो रहा है बहुत मुश्किल है, तो आगे क्योंकि देखो इसमें सपोर्ट नहीं बन रहा है, देख रहे हो कितनी बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे देखो, तो इसलिए नीचे ही आते हैं और जहाँ से चलते थे ना वहीं से चलते हैं। मेरे को मत ले चलना। यार कुछ भी ओ भाई यार कुछ भी ये सब पीला हो गया। ओ माय गॉड डंडी चल, डंडी ले ये रास्ते में से, आ जा रास्ते में से ले, तुझे मैं इससे बनाता हूँ इससे। यार नहीं यार डर ले। और मेरे ना हाँ। मतलब ये पकड़ नहीं बना रही थी हाँ। मतलब इतनी ज्यादा गिरी हुई थी तो पैर भी पकड़ नहीं बना रहे थे, फिर फिसलते क्या फायदा। मज़ा तो बहुत आ रहा है पर लेट भी होते जा रहे हैं, धूप ना निकल ही नहीं रही थी अब निकल रही है। आप देखोगे ना बादल ना बहुत ज़्यादा है, तो बादलों के बीच से सूरज ना निकल नहीं रहा है और चारों तरफ बर्फ तो खैर है ही। जब से स्लाइड किया ना तब से मज़ा आ रहा है, तब से मतलब अब है ना एनर्जेटिक फील हो रहा है बहुत। आप देखो कितने नीचे बंदे जा रहे हैं भाई, और हमें अभी भी कह रहे हैं अभी तो बहुत है ट्रैक, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। कुछ टाइम के बाद वे कह रहे हैं कि 4 बजे से पहले आपको यू टर्न होना पड़ेगा वरना फिर अंधेरा हो जाएगा, स्लाइडिंग है, स्नो है, कहीं स्लिपरी भी है, तो आप फिसलते आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लेट करना मत। देखो कितनी स्नो है भाई, मतलब कहाँ तक हमारा पैर जा रहा है ये देखो, स्नो में मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, पूरी तकड़े वाली स्नो है, स्लिपरी भी है बहुत ज्यादा कहीं कहीं तो। अपने ऊपर गिरा दे इसको, गिरा दे अपने ऊपर। अबे ऐसे थोड़े गिरेगी ये,
गिरा गिरा अपने ऊपर गिरा दे, गिरा दे गिरा दे, अरे भाई गिरा दे अपने ऊपर, ले अभी तो वही रहे देख तेरे ऊपर गिर दूंगा, ले पकड़ियो ले इसको पकड़ कि मेरे ऊपर गिरे ही ना, मौका ही ना पड़े। आ गया आ गया। भाई आगे के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे आगे जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मौसम खराब है, स्नो बहुत ज्यादा है और टाइम भी आपका भाई ज्यादा ही हो गया है, तो कह रहे हैं अब आप वापसी जाओ, कोई मतलब कोई सेंस नहीं बनता और मंदिर बंद है, मतलब दर्शन वैसे भी आपको नहीं हो पाएंगे, तो भाई ये फिसल गए। कह रहे हैं कि 4 बजे के बाद आपको वैसे भी वापसी उतर जाना चाहिए हर हालत में, और आपको जाते जाते अंधेरा हो जाए इससे पहले वापसी चलो, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत रहते हैं। कल रात पे एक कपल फंस गया था, वो भी 9 बजे के आसपास पहुंचा, गिरता पड़ता चोट भी लग गई उनके, तो इसलिए हम वापसी जा रहे हैं अपना। और हाँ एंट्री यहाँ की 2 बजे बंद हो जाती है, 2 बजे से पहले पहले आपको एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि उनको भी ये है ना कि फिर आप वापसी नहीं आ पाओगे, इसलिए लास्ट एंट्री 2 बजे की होती है। अमूमन जो बताया अगर आप चंद्रीशिला नहीं जाना, अगर चंद्रीशिला जाना है तो यहाँ से 2 किलोमीटर मतलब जो आपका तुंगनाथ टेम्पल है वहां से भी 2 किलोमीटर ऊपर पड़ता है वो और चंद्रीशिला, और अगर आपको खाली तुंगनाथ जाना है तो अप्रोक्सीमेटली कह रहे थे 5 से 6 घंटे चाहिए आने और जाने के, डिपेंड होता है आपके ऊपर कि आप कैसे चल रहे हो, कैसी मतलब कितनी स्पीड पे आप चल रहे हो, आप देखो कितनी दिक्कत हो रही है चलने में, आराम से चलियो फिसल मत जाइयो ठीक है। मेरी कैप तेरे पास है ना, कैप कहाँ है मेरी भाई, कैप गिर गई थी पीछे, दोबारा कैप लेने जाना पड़ा ऊपर और कैप लेके अब चल दी है भाई। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, एक सिंगल ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने वहां तक क्या बोलते हैं ऋषिकेश तक कर दिया, उसके बाद में कुछ भी अपलोड नहीं हो पा रहा यार। और मेन ये है कि व्लॉग के साथ साथ घर वालों से बात तक नहीं हो पा रही है, तो अभी देखो ये देखो बिल्कुल ना पिघल रही है, धूप पड़ रही है तो पैर ना फिसल रहे हैं बिल्कुल, एकदम बड़ी दिक्कत हो रही है। लो भाई हम उतर गए हैं वापसी, लगभग लगभग अब यहाँ से थोड़ा ही रास्ता बचा है, पहुंच जाएंगे मुझे लग रहा है 15-20 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे हम। और यार वो कह रहे थे वापसी आ जाओ, धूप अभी भी है ना अभी भी हम, पर यहाँ पे ऐसा होता है कि यार एकदम से ही अंधेरा होता है और एकदम से उजाला होता है ना, यहाँ के धूप निकली है, पीछे तो धूप भी नहीं थी, एकदम से ऐसे नहीं हो गया था अंधेरा अंधेरा का, और यहाँ पे गर्मी कम है वहां तो भाई ठंड भी बहुत ज्यादा थी, हवा भी तो चल रही थी, हवा भी नहीं। हाँ आर्मी पर्सनल बैठे थे वो चले गए हैं बंद करके, तो मुझे लग रहा है नीचे बैठ गए होंगे, नीचे से बंद कर रहे होंगे कि नीचे से जाना नहीं है, और हमें हमारे बाद में ना कोई ऊपर चढ़ने वाला नहीं मिला, सब उतरने वाले मिले हैं, सब उतरने वाले यानी हमारे बाद ही मेरे ख्याल से इन्होंने एंट्री बंद कर दी थी शायद। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 2 बजे तक दिन में टाइम, दोपहर 2 बजे तक आपको एंट्री मिलेगी, और दर्शन दर्शन में क्या है कि आप सुबह निकलो और जाओ, पर दर्शन आपको मतलब दूर से ही होंगे, मंदिर के आसपास आपको जाना बंद किया हुआ है, कारण ये है कि एक तो ठंड ज्यादा बर्फ ज्यादा और ऊपर से जूते पैर के लोग जाते तो उस कारण बंद कर दिया तुंगनाथ ना। हो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी, और हाँ बस एक चीज का ध्यान रखे, 2 चोपटा है ठीक है, 2 चोपटा है
और ये वाला चोपटा था तुंगनाथ चोपटा वाला, तो ये पड़ता है उखीमठ के पास में। उखीमठ चोपटा याद रखना, कुंड उखीमठ चोपटा, कुंड एक जगह पड़ती है, उसके बाद उखीमठ आता है, उखीमठ के बाद फिर 22 किलोमीटर बाद पड़ता है चोपटा। तो भाई प्लीज हमारे तरह गलती ना करें।